हे दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग डिजिटल। आज की वीडियो में हम एक टास्क मैनेजमेंट टाइप की रेस्ट एपीआई बनाएंगे और उसको हम सर्वरलेस फ्रेमवर्क पे AWS लैम्डा पे डिप्लॉय करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो हमारे यहाँ पे वर्क फ्लो डिफाइन है। वर्क फ्लो .txt में हम पहले एक थ्रेड एपीआई बनाएंगे टास्क मैनेजमेंट टाइप की, फिर टेस्ट करेंगे उस एपीआई को पोस्टमैन से और फिर उसको डिप्लॉय करेंगे AWS लैम्डा पे सर्वरलेस फ्रेमवर्क पे। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट का भी स्टेप है। सबसे पहले हम सर्वरलेस को इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद हम सर्वरलेस कॉन्फ़िग करेंगे। यहाँ पे अपने AWS की आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा AWS पे। वहाँ पे एक IAM यूजर एक नया बनाना पड़ेगा विथ एडमिन एक्सेस के साथ, और फिर उसकी कहते हैं जो की होगी और सीक्रेट क्रिएट करना पड़ेगा और उसको यहाँ पे डालना होगा सर्वरलेस कॉन्फ़िग में। उसके बाद लारावेल में अगर हमें सर्वरलेस फ्रेमवर्क पे डिप्लॉयमेंट करनी है तो उसके लिए हमें ब्रेव पैकेज का यूज़ करना पड़ता है, लारावेल ब्रिज। उसके बाद इसको हम डिप्लॉय करते हैं और हमारा एक फाइल बन जाती है सर्वरलेस .ml की। उसको हम स्टेप बाई स्टेप देखेंगे। पहले हम API देख लेते हैं अपनी। यहाँ पे हमने टास्क कंट्रोल मास्क बनाया, अभी एम्प्टी है। हम साथ में API बनाएंगे और मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ इसका। जैसे ये टास्क हमारी टेबल है, इसमें यूजर आईडी है, टास्क नेम, डिस्क्रिप्शन, ड्यूरेशन, प्रायोरिटी, स्टार्ट टाइम, एंड डेट। और मैं इसको आपको टेबल दिखा देता हूँ। डेटाबेस हमारा बन गया है। ये हमारा FSM नाम से मैंने बनाया था प्रोडक्ट नेम, फुल स्टैक मैनेजर इसका फुल फॉर्म रहेगा मतलब। और ये हमारा टास्क टेबल है, यूजर टेबल है, टास्क टेबल है, और ये जो डिफॉल्ट टेबल होती है हमारी माइग्रेशन की, एक्सेस टोकन की। एक्सेस टोकन हम API के लिए सैंक्टम यूज कर रहे हैं जो डिफॉल्ट होता है लारावेल में। इसलिए हम API स्टार्ट करते हैं। तो अपना टास्क कंट्रोलर हम ओपन करेंगे और हम सबसे पहले API बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे गेट ऑल टास्क, गेट ऑल टास्क, वहाँ पे हो जाएगा गेट ऑल टास्क। और यहाँ पे हम अगर हमें सारी चीज़ नहीं रिटर्न करनी है तो हम इसके लिए एक अपना रिसोर्स कलेक्शन बना लेते हैं। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है, आपको दिखाता हूँ कलेक्शन के थ्रू। PHP artisan कॉलन रिसोर्स, इसका हम नाम देंगे टास्क कलेक्शंस। और हम रिसोर्स में देखेंगे तो एक हमारा यूजर रिसोर्स है और एक हम टास्क कलेक्शन नाम से एक रिसोर्स बना लिए। इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे बेसिकली क्या होता है कि जब हम यहाँ से रिटर्न करते हैं, अगर हमको रिटर्न करना है टास्क तो हमें यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे टास्क। तो अगर हम टास्क ऑल लिख देंगे, ऑल से क्या होगा कि सारे रिकॉर्ड तो आएंगे ही, लेकिन उसके साथ क्या होगा कि जितने भी कॉलम हैं डेटाबेस में, हमारी इस टेबल में जितने भी कॉलम हैं सारे आएंगे। जैसे मान लो हमें कुछ चीज़ें नहीं भेजनी, जैसे मान लो हमें यूजर आईडी नहीं भेजनी है इसमें, या यूनिक आईडी नहीं भेजनी है टास्क, उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इसके लिए हम कलेक्शन बनाते हैं, या हमें कुछ और भी अगर मान लो इसमें आगे चल के टास्क में असाइनी कौन कौन से हैं उनको भेजना है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसमें लूप वगैरह लगाना पड़ता है। इसके लिए हम क्या मैनेज करते हैं कि हम सारी चीज़ कलेक्शन के थ्रू मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक चीज़ें जो चीज़ें और अगर इससे रिलेशन में कुछ और भी है तो वो हम भेज सकते हैं। जैसे डेटा हो गया हमारा डिस डॉट कलेक्शन, से अच्छा है हम एक साथ बनाएं, जिससे हमें आईडी भेजनी है तो डिस डॉट आईडी हो गई। और हमें क्या भेजना है, नेम। हम यहाँ पे पैरामीटर भी डिफाइन करते हैं, यहाँ पे कॉलम नेम टास्क नेम है, हम यहाँ पे सिर्फ नेम रख सकते हैं और यहाँ पे लेकिन हमें टास्क नेम देना पड़ेगा। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉलम नेम डेस्क है तो हमें यहाँ पे डेस्क देना पड़ेगा।
ऐसे ही करके हमें क्रिएटेड एट अपडेटेड एट। अब मैं आपको क्रिएटेड एट अपडेटेड दिखाता हूँ अपने में कैसे सेव होती है। इसे अपने में क्या है कि ये टाइम टाइम फॉर्मेट में सेव होता है, लेकिन हम अगर हमें क्या होते हैं ऐसे भेजना है कि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जाए। तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जाने के लिए यहाँ पे हमें कमेंट लिखते हैं मेक क्रिएटेड एट ह्यूमन रीडेबल डिफर फ्रॉम ह्यूमन हो सकता है। एक तो हम डिफ फॉर ह्यूमन यूज कर सकते हैं, ये हमारा रिटर्न करेगा 6 डे गो या 5 डे वो रिटर्न करेगा। और हम फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं इन फॉर्मेटेड फॉर्मेट ऑफ 26 जुलाई। अगर मान लो इस फॉर्मेट में हमें रिटर्न करना है तो फॉर्मेट कर देगा ऐसे डी एफ वाई। और क्या चाहिए होता है हमें, ड्यूरेशन स्टेटस हो गया। अब जैसे स्टेटस जो है हम इसमें स्टोर कराते हैं स्टेटस 0 1 2। अभी तो मैंने सीटा के थ्रू बनाया था तो इसमें 4 5 आ गया, लेकिन 0 1 2 है। तो इसमें हम एक कंडीशन दे सकते हैं कि इफ अगर हमारा स्टेटस जो है इज 1 है देन देन रिटर्न हमें करना है कंप्लीटेड। अगर कह रहे हैं 0 में है else if अगर जो हमारा स्टेटस है वो 0 है तो मतलब टास्क अभी यू देन रिटर्न इन टू डू। अभी वो टू डू में है else return in progress। वन इट कम्प्लीटेड है अगर 0 है, 2 डू है और else में इन प्रोग्रेस दे देंगे हम। स्टेटस अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो स्टेटस क्वेश्चन मार्क 1 कम्प्लीटेड else 2 डू इन प्रोग्रेस। और उसके बाद क्या है हमारा प्रायोरिटी। प्रायोरिटी भी सेम हाई मीडियम लो हो गया। स्टेटस स्टार्ट डेट ठीक है ना। स्टार्ट डेट एंड डेट इसको भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं कार्बन के थ्रू, क्योंकि ये डेट फॉर्मेट में सेव हो रहा है तो किसी भी फॉर्मेट में इसको भी फॉर्मेट करके हम सेंड कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक कलेक्शन बन गया टास्क का। तो हम क्या करेंगे, टास्क गेट करेंगे, उसके बाद हम क्रिएट टास्क कलेक्शन ऑफ टास्क। यहाँ पे हम एक बनाएंगे वेरिएबल बनाते हैं टास्क कलेक्शन, कलेक्शन टास्क हो गया हमारा, और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे लगाएंगे पेजिनेट फंक्शन, लगाएंगे पेजिनेट 10। अब रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स अपना टास्क कलेक्शन डेटा में। तो ये हमारी गेट ऑल एपीआई गेट टास्क एपीआई बन गई। अब ऐसे ही हम क्रिएट न्यू टास्क कर सकते हैं।
क्रिएट न्यू टास्क। हाँ टास्क क्रिएट भी हो गई। टास्क नेम डिस्क्रिप्शन, अभी के लिए हम सिर्फ टास्क नेम को ही डालेंगे वैलिडेटर में। हम ऐसे भी रह सकते हैं इसको और वैलिडेटर भी यूज कर सकते हैं जो लारावेल का आता है पसार्ड वाला, जैसे हमने और कंट्रोलर में यूज किया हुआ है इस तरीके से। तो यही यूज कर लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ टास्क कंट्रोलर में आते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। बस यहाँ पे टास्क नेम कर देते हैं रिक्वायर्ड स्ट्रिंग, कोई दिक्कत नहीं। पासवर्ड हटा देते हैं यहाँ से, बड़ी डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं। गलत, बड़ी डेटा फसाड टास्क क्रिएट हो गया। उसके बाद अपडेट टास्क कर लेते हैं। टास्क अपडेट हो गया, उसके बाद डिलीट करेंगे इसको, डिलीट अ टास्क, टास्क डिलीटेड का भी बन गया। अब हम अपना पोस्टमैन ओपन करेंगे और एपीआई को टेस्ट करेंगे। एक बार हमारी एपीआई वर्किंग हो गई, फिर इसको हम डिप्लॉय करेंगे AWS सर्वरलेस पे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी जो हमने API बनाई है इसको Flutter में इंटीग्रेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक बार हमारा डिप्लॉयमेंट सही हो गया। तो जैसे हमने ये साइन इन और API बनाई थी, पर इसका API बना लेते हैं API.php में। auth sanctum लगाते हैं, task route, नहीं, इसको जैसे है वैसे रहने दो। हम अपना राउट सर्किट बनाते हैं, टास्क राउट विथ सेंटर मिडलवेयर। API गेट ऑल टास्क, टास्क कंट्रोलर ऊपर इंपोर्टेड नहीं है। ठीक, ये हमने साइन इन साइन अप की API बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल है, उसमें कुछ बेसिक ही है, बस हमने सैंक्टम यूज किया है जो लारावेल का डिफॉल्ट आता है ऐप टोकन। और इसके बाद हम तो आपको दिखा देते हैं पोस्टमैन पे, ये साइन अप API जिसमें नेम ईमेल और पासवर्ड ले रहे हैं हम। यहाँ पे टेप 1-1 कर देते हैं और सेंड कर देते हैं। यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अब इसको कॉपी करेंगे, साइन इन में आएंगे, यहाँ पे टैप 1-1 करेंगे और इसको सेंड कर देंगे। यूजर क्रिएटेड हो गया, टैप 1-1 हमें मिल गया इसका एक्सेस टोकन। अब इस एक्सेस टोकन से हम अपना टास्क वाला बनाएंगे। यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं टास्क, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, ऐड फोल्डर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टास्क, यहाँ पे एक ऐड रिक्वेस्ट करेंगे, गेट ऑल
टास्क। इसके हेडर में हम पास करेंगे एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, और ऑथराइजेशन में हम पास कर देंगे इसके ऑथराइजेशन में बीयरर, और जो हमने साइन करके टोकन गेट किया था नया वाला इसको लेते हैं, तो कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। एपीआई में क्या था हमारे, API/task। अनडिफाइंड प्रॉपर्टी लिमिटेड पर फील्डर आईडी यहाँ पे आया हो, अब इसको डिबग करते हैं टास्क कंट्रोलर में। आईडी यहाँ पे आई डी आईडी की टास्क सेक्शन ऑनलाइन पे ऑनलाइन अटेन आईडी वाले कमेंट कर दो एक मिनट के लिए देखते हैं। अनडिफाइंड प्रॉपर्टी टास्क नेम यहाँ पे कुछ इशू हो गया, टीडी कहते हैं टास्क को। रिव्यू में देखेंगे सारे टास्क तो आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है फिर। टास्क सिलेक्शन में कुछ दिक्कत है यहाँ पे, जेसन वाला कुछ होता है। हाँ से इसको करेंगे जेसन रिसोर्स कर देते हैं, अब आएगा सही है। कमेंट करो और सेंड करो, ये हमारे सक्सेस गेट ऑल टास्क, और ये सारी चीजें हमारी दो दो चार ये पेजिनेट फॉरवर्ड में नहीं आया, चलो जितना भी है ये हमारी ये पेज हो गई टास्क गेट ऑल टास्क। अब इसके बाद हम दूसरी पेज बनाएंगे क्रिएट न्यू टास्क की, पेस्ट करेंगे क्रिएट न्यू टास्क, ये हमारी पोस्ट एपीआई होगी
यहाँ पे करेंगे पोस्ट, टाइम कितना हो गया, 20 मिनट टास्क। टास्क कंट्रोल में क्रिएट टास्क, यहाँ पर देंगे हम टास्क नेम, हेडर में एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन और फिर ऑथराइजेशन। यहाँ पे गिट ऑल टास्क में जो यूज किया था वही यूज कर लेते हैं। यहाँ पे डाल देंगे बियर टोकन अपना, बॉडी में आते हैं फॉर्म डेटा, टास्क नेम न्यू टास्क, टास्क नेम डालते हैं अभी की और इसको सेंड करते हैं। हमने क्रिएट फंक्शन यूज किया है तो हमें टास्क मॉडल में यहाँ पे फिलेबल प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, मेक सभी को बना लेते हैं। टास्क कंट्रोल में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ डेस्क है। न्यू टास्क क्रिएट हो गया हमारा। तो वैसे ही अपडेट टास्क और डिलीट टास्क भी सेम ही भी आई है, वो आपके लिए होमवर्क है कि आप टेस्ट करेंगे उसको। कोड में पॉसिबली ट्राई करूँगा कि दे दूँगा गिटहब पे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्क फ्लो में चलते हैं। वर्क फ्लो में क्या था हमारा, एपीआई में टेस्ट हो गई, अब डिप्लॉय करेंगे एपीआई को डेवलपमेंट हमको डिप्लॉय करना है अब एपीआई को। चलिए स्टार्ट करते हैं डिप्लॉयमेंट। तो सबसे पहला स्टेप हमारा डिप्लॉयमेंट का क्या है, इंस्टॉल सर्वरलेस फ्रेमवर्क एनपीएम इंस्टॉल सर्वरलेस, ये कमांड आपको रन करनी है। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है ग्लोबली सर्वरलेस को, तो मैं कमांड लाइन पे से ओनली सर्वरलेस इंटर करूँगा। तो ये अगर इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम में तो सर्वरलेस ऐसे करके इंटर करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा ये और ये अभी दिखाएगा आपको। और अगर नहीं इंस्टॉल होगा तो बता देगा कि नहीं इंस्टॉल्ड है। इसके बाद हम कन्फिगर करेंगे AWS क्रेडेंशियल को। क्रेडेंशियल जो भी है बहुत अपनी अपनी क्रेडेंशियल यूज़ करना, तो मैं अपनी क्रेडेंशियल यूज़ करूँगा लेकिन वीडियो पॉज करके। लेकिन आ गया ना ये सर्वरलेस, आप डालेंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, डू यू वांट टू मेक यूज एरो की, एरो की जो उसकी होती है वहाँ से ऐसे ऊपर नीचे आप कर सकते हैं ऐसे ऐसे। जो भी प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है तो हमें तो कोई नोड या पाइथन का प्रोजेक्ट क्रिएट करना नहीं है क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट तो पहले से क्रिएटेड है और हमें बस इसको जस्ट डिप्लॉय करना है। नोड के लिए नोड के प्रोजेक्ट में देखेंगे, नोड और पाइथन में ज़्यादा यूज होती है, लारावेल में कम यूज होती है, लेकिन लारावेल भी काफ़ी अच्छा है API के लिए। तो लारावेल में लारावेल का टेम्पलेट नहीं है इनके पास क्योंकि लैम्डा के सर्वर फंक्शन में वहाँ पे जो स्क्रिप्ट होती है वो JS फॉर्मेट में होती है और वहाँ पे PHP कोड नॉर्मली नहीं लिखा जाता है जो हम लैम्डा फंक्शन लिखते हैं वहाँ पे AWS पे। यहाँ पे जो स्टार्टर टेम्पलेट है इनके पास वो ऑलरेडी नोड के और पाइथन के ही है क्लास के, तो हमें कुछ नहीं चाहिए इनका। हम कंट्रोल सी कर देंगे, एग्जिट कर देंगे और क्लियर कर देंगे इसको।
यस। अब दूसरा कॉन्फ़िगर करना है हमें एपीआई सर्वलेस में कॉन्फ़िग को, तो मैं एक मिनट के लिए वीडियो पॉज करूँगा और यहाँ पे की डाल के मैं ये कॉन्फ़िगरेशन वाली कमांड मेमोरी, तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर। सर्वलेस कॉन्फ़िग क्रेडेंशियल, यहाँ पे जो सीक्रेट होगा वो हमें डालना है, और उसके बाद यहाँ पे जो की है वो डालना है हमें। इसके बाद क्या हुआ स्टेप हमारा, ब्रीफ सेटअप कंपोजर रिक्वायर, हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे, इसको पैकेज आपके साथ इंस्टॉल करूँगा, बस मैं की डाल के कॉन्फ़िग सेटअप कर दूँगा बस। तो एक मिनट के लिए वीडियो पॉज होगा ओनली। तो मैंने कॉन्फ़िगर करके टर्मिनल क्लियर कर दिया है, लेकिन आपको जब ये आप कमांड रन करेंगे तो प्रोफाइल कॉन्फ़िगर डिफ़ॉल्ट, प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर वो लिख के आ जाएगा, अगर कोई एरर आएगी तो एरर बता देगा, और अगर कॉन्फ़िगर सक्सेसफुली हो गए तो एक चेक का रेड कलर का आइकन आके आ जाएगा आपको कि कन्फिगर हो गई है। ये कन्फिगर हो गई हमारी, अब हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे अपना कंपोजर रिक्वायर ब्रेफ। कुछ इधर आई इसमें, ये क्या कह रहा है, ये रिक्वायर्स इसमें पीएचपी वर्जन जो चाहिए होता है वो 7.3 to 8.1 चाहिए होता है, लेकिन हमारा 8.1 है, डज नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट, तो हमारे प्रोजेक्ट में नहीं इंस्टॉल होगा ये। कोई दिक्कत नहीं, हम इंस्टॉल करेंगे, हमारे पास 2 PHP वर्जन है, हम यहाँ से PHP स्विच कर सकते हैं। यहाँ से हम इस प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर में जाएंगे, या फिर से हम और यहाँ पे हम टर्मिनल ओपन करेंगे और PHP आइकन आइकन वर्जन चेक करेंगे, 7.4 है ना, यहाँ पे वो कमांड रन करेंगे। ओपन ही हुआ क्या ये, कॉन्फ़िग होना चाहिए था यार, पेस्ट क्यों नहीं हो रहा, कंट्रोल सी इस पे नहीं हो रहा पेस्ट, काम करो हम ओपन करते हैं गिट बेस और यहाँ पे PHP वर्जन चेक करेंगे, क्योंकि ग्लोबल वर्जन हमारा 7. नहीं यार 8.1 दिखा रहा है यहाँ पर। चलो एक मिनट के लिए स्विच करते हैं वर्जन को अपने, 7.4 में स्विच हो गई, और इसको सर्वर बार अपने स्टार्ट करेंगे, स्टॉप करके फिर से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे चेक करते हैं PHP वर्जन, 8.1 दिखा रहा है, फिर से हम इसको गिट बैश ईयर, अभी 8.1 ही दिखा रहा है, स्विच तो हो गए यार हम 7.4 में। और हम पोस्टमैन में रखते हैं और इसको कंट्रोल सी करते हैं,
नहीं। पीएमडी कॉपी करते हैं फिर से इसको, पेस्ट करते हैं। एक मिनट यहाँ पे पी एच पी का बॉर्डर चेक करते हैं पहले। पी एच पी हाइफन हाइफन ओरिजिन 8.1 दिखा रहा है इसमें। टर्मिनल बंद करो। पी एच पी वर्जन यहाँ पे 7.4 दिखा रहा है, यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे इसको। रूट कंपोजिशन रिक्वायर्ड 8.1 इन योर प्रोजेक्ट वर्जन 7.4 डज नॉट रिक्वायर रिक्वायरमेंट। हमारा ब्रेक पैकेज यूज नहीं हो पाएगा यार, इसको 8.1 में करते हैं। सर्वर को मैं स्टॉप कर के फिर से स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट के लिए मैं वीडियो पॉज करके इसके सोल्यूशन देख लेता हूँ क्या है। ओके दोस्तों, तो मिल गया इसका सलूशन। कहता कि हम साथ में इंस्टॉल कर रहे थे दोनों को, ब्रेफ और ब्रेफ लारावेल ब्रिज को, तो साथ में इंस्टॉल नहीं हो रहा था ये, मैंने इसको अलग अलग इंस्टॉल किया। तो पहले मैंने कंपोजर रिक्वायर ब्रेफ स्लैश ब्रेफ को इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो अब ये डाउनलोड हो रहा है, हमारा डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल भी हो गया, बस ऑप्टिमाइज फाइल अपलोड फाइल हमारी जनरेट हो रही है। तो अगर ब्रेफ भी इंस्टॉल हो जाता है तब भी हमारा काम हो जाएगा। बस हमें ब्रेफ इंस्टॉल होने के बाद विंडो पब्लिस सर्वरलेस कॉन्फ़िग को कर देना है। एसेट की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, एसेट नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। उसके बाद हम अपनी YAML फाइल अपडेट करेंगे। हमारा ब्रेक इंस्टॉल हो गया है, कॉन्फिग करते हैं और सर्वरलेस फंक्शन देखेंगे कैसा चल रहा है हमारा। कॉन्फिग का कोई भी रिसोर्स नहीं है, एसेट का देखें, एसेट का भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम अपडेट करेंगे YAML फाइल को। YAML फाइल हमारी बनी क्रिएट नहीं हुई, सर्ट क्रिएट हो जानी चाहिए थी। हम YAML फाइल बनाते हैं एक मिनट। ओके दोस्तों, तो फाइल हमारी बनी नहीं, लेकिन रूट फोल्डर में हम फाइल बना लेते हैं एक, एक न्यू फाइल बनाएंगे serverless.yml। कट कर देते हैं इसको, फिर से ओपन करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे अपना
सर्विस है, नेम हमारा हो जाएगा AWS, रीजन में हम डालेंगे हमारा जो AWS रीजन है वो AP साउथ वन है, मतलब मुंबई का रीजन है हमने हमारा। प्रोवाइडेड ए टू स्टैक नेम आप लिखेंगे टास्क मैनेजमेंट API, प्लगइन बिल्डर ब्रेप ब्रेप, हैंडल हमारा पब्लिक में index.php, लॉग इतना हो गया। नोड मॉड्यूल से इसको सेव करेंगे और अब हम सेव करके सर्वरलेस डिप्लॉय चलाते हैं। सर्वरलेस डिप्लॉय हमारा पैकेजिंग काम स्टार्ट हो गया। देखिए एट सेकेंड नाइन टेन क्रिएटिंग क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक। अगर आप भी मेरे साथ साथ कर रहे हैं तो कमेंट करके बताना कि आप में क्या क्या चल रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है तो कई बॉडी वीडियो थोड़ा पॉज कर लूँ, लेकिन देखते रहिए क्या क्या चलता है इसमें, क्या क्या कमांड्स आती हैं। लेकिन आप जब खुद से ट्राई करेंगे तो आप में शायद कुछ डिफरेंस हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ डिफरेंस होगा। अब ये अपलोड हो रहा है, 25 MB का बना है पैकेज पूरा कंप्लीट। यहाँ पे सर्वरलेस डॉट सर्वरलेस डायरेक्टरी बन गई एक, अभी अपलोड हो रहा है 25 MB का है। इसको पॉज करता हूँ वीडियो को, जैसे कंप्लीट होता है हम रिस्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारा ये डिप्लॉय हो गया, डिप्लॉइंग ऑन स्टेज डेट डेव AP साउथ वन सर्विस डिप्लॉयड ऑन एक टास्क मैनेजमेंट API, और इसका जो एंड पॉइंट है वो ये मिल गया हमें एंड पॉइंट। तो अभी इस एंड पॉइंट पे हम टेस्ट करेंगे। API का जो नेम है वो API फंक्शन API डेव वन है। तो फाइनली हमारा जो ऐप है वो AWS सर्वरलेस पे डिप्लॉय हो गया है और ये हमारा API गेटवे का एंड पॉइंट है। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम रख लेंगे अपने API एंड पॉइंट, API एंड पॉइंट। अब इसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे अपनी API को इस पे। तो गेट ऑल टास्क वाली सबसे पहले करते हैं, इसको सेव बाय एग्जांपल कर लेते हैं इसका गेट ऑल टास्क का। और गेट ऑल टास्क में हम इसके आगे API की आगे अपना AWS का जो हमारा URL आया है इसको रिटर्न करेंगे। और हिट करेंगे क्योंकि हमारा डेटाबेस कनेक्शन सेटअप नहीं है इसलिए ये चल नहीं रहा, लेकिन हमारी API ये है कि वर्किंग है। अगर हम लॉगिन API ऐड करें अपनी तो हमारा डेटाबेस का एरर आएगा, लेकिन ये रहेगा कि हमारी API जो है वो वर्किंग रहेगी।
यहाँ पे साइन अप करेंगे। क्या है 200 दिखा रहा है, यहाँ 200 का आ रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। ये गाइस में कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी डेटाबेस वगैरह की और राउट वगैरह की, तो उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर इसमें हम डेटाबेस में जाएंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। लेकिन इतना आपको चल गया होगा कि कैसे हम सर्वरलेस पे डिप्लॉय करते हैं अपनी एपीआई को AWS Lambda पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कहते हैं सर्वरलेस क्या होता है, मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा कह रहे जो मेन सर्वर होता है, जैसे हमें अगर आप AWS EC2 जानते होंगे, EC2 में क्या होता है, EC2 है इसमें क्या होता है, जो प्राइस होता है इसका प्राइस फिक्स है कि कहते हैं जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन लेंगे उसमें $0.02 पर आवर के अकॉर्डिंग क्या होते हैं आपका आएगा कॉस्ट, चाहे आपकी वेबसाइट पर यूजर हों या ना हो। लेकिन सर्वरलेस में क्या होता है कि कॉस्ट क्या होती है, उसमें क्या होता है फिक्स कॉस्ट होती है जो हमारा सर्वर वाला होता है। और सर्वरलेस में डायनामिक होता है, मतलब क्या होते हैं ये इसकी जो कॉस्ट होती है वो पर इनोवेशन होती है, पर इनोवेशन कितनी बार आपकी API एंड पॉइंट इनवोक हुई, मतलब कितनी बार आपकी API हिट हुई, API एंड पॉइंट कितनी बार आपके यूजर के थ्रू, उसका ऊपर इनोवेशन कॉस्ट होता है। आप अगर AWS सर्वरलेस पे जाएंगे, जैसे अगर मैं आपको AWS सर्वरलेस दिखाऊं तो इसमें क्या होता है कि प्राइसिंग अगर मैं आपको दिखाऊं लैम्डा AWS लैम्डा सर्वर लेस प्राइसिंग, लैम्डा सर्वरलेस कंप्यूटिंग प्राइसिंग आपको दिखाऊं तो इसमें 1 मिलियन पर है। अगर प्राइसिंग की बात करें हम तो देखिए ये मतलब कह रहे हैं 1 मिलियन रिक्वेस्ट तक फ्री है इसमें, मतलब आपकी API 1 मिलियन अगर बार हिट होती है तो तक फ्री है, और उसके बाद अगर 1 मिलियन फिर से हुई तो उसके बाद 1 मिलियन पे $0.20 चार्ज आएगा इस पर। मतलब कह रहे हैं अगर आपकी वेबसाइट पे या API पे कह रहे हैं 2 मिलियन रिक्वेस्ट आई तो पहली 1 मिलियन की कोई चार्ज नहीं होगा, और दूसरी जो 1 मिलियन है उसका क्या होते हैं 0.20 पर आवर पर इनोवेशन चार्ज हुआ उसका, कितनी बार इनोवेशन चार्ज आएगा उसका पर हिट, आप हिट कह सकते हैं कि कितनी बार API हिट हुई। जैसे ये हमारा एंड पॉइंट है, इसको हम कितनी बार यहाँ पर जितनी बार हम सेंड कर रहे हैं इतनी बार ये हिट हो रही है, इतनी बार ये इनवो हो रही है, इसका कॉस्ट आता है। अगर आपकी वेबसाइट पर कोई यूजर नहीं है तो कोई कॉस्ट नहीं आएगा आपका। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, थोड़ा आप इसका डॉक्यूमेंटेशन रीड करेंगे और वीडियो को एक बार फॉलो करके और खुद से एक बार आप कहते हैं एक अपने Laravel ऐप को सिंपल API बना के एक बार उसको डिप्लॉय करेंगे तो कहते हैं आप काफ़ी चीज़ें आपको फुल सर्वरलेस के बारे में क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको AWS सर्वरलेस या लैम्डास ऐसे या API गेटवे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैं AWS सीरीज में API गेटवे और DynamoDB की भी वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।